हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑफमिट के ऑफिशियल में एक बार फिर से। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेकर के आए हैं जो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लगा हुआ है नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल। 12th स्ट्रीट फूड फेस्टिवल है यहाँ पे, और ये कोविड के 3 साल बाद लग रहा है। तो चलिए हम इसको एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसी कैसी डिशेज हैं। यहाँ पे 120 स्टॉल हैं अप्रॉक्स, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 120 स्टॉल्स हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं। पीछे शोर के कारण मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच रही होगी, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको हम एक एक चीज यहाँ की दिखाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारी स्टॉल्स हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे कौन कौन से स्टेट का फूड है, कैसा कैसा फूड है। तो दोस्तों जैसे कि हम आ चुके हैं, ये ईस्ट जोन है। आप 120 स्टॉल से हम सब में हम 120 के 120 स्टॉल तो कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम जो हमें लगेगा ना कि कुछ यूनिक डिश है तो हम उसको ट्राई करके आपको जरूर बताएंगे। तो चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टॉल है, यहाँ पे गोलगप्पे वगैरह हैं, और इधर सेकंड स्टॉल में है टुक्का। और एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है कि नॉन वेज हम ट्राई नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन वेज को हम अवॉइड करते हैं फिलहाल के लिए, तो हम वेज ही ट्राई करेंगे। तो नॉन वेज वालों के लिए थोड़ा सा समझ सकते हो ना, तो ब्रेड पकौड़ा समोसा ये तो यार आप लोग सभी खाते हो अपने स्ट्रीट फूड में, हर किसी के एरिया में कोई ना कोई फेमस होता ही है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फेमस लोग भी आए हुए हैं, जो जैसे राम लड्डू हो गया और दौलत की चाट, ये सब भी है यहाँ पे। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ना चीज़ों को जल्दी से एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए फटाफट से, ये आलू चौक है। आलू चौक इज विद आलू, we make it aloo, paste it, boil it, paste it, then mix with the badam, then put in the ration liquid. Okay, and okay. Then fry it. Okay. So it's veg? Yes. Your veg. उससे एक बार हम ट्राई करते हैं और फिर बताते हैं आपको कैसा है। ये क्या है? गरम वाला चटनी के साथ देंगे? सब थैंक यू। दोस्तों ये है आलू चॉप, हमने फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं इसे, देख सकते हैं। वैसे इसे नॉर्मली हम लोग ना क्या बोलते हैं, हम लोग भूल गया, पकोड़ा, हाँ आलू आलू बोंडा या गोंडा ऐसी कुछ बोलते हैं इसे हम लोग। कोई बात नहीं, हम ट्राई करते हैं कुछ नया। दोस्तों ऐसी कुछ नई चीज़ तो नहीं है ये, तो हम इंडियन फूड में तो वीकली कोई भी खाता है इसको, और ठंड में तो हमारे घर में बनते ही रहते हैं पकौड़े। तो कुछ ऐसा ज़्यादा इंटरेस्टिंग था नहीं इसके अंदर, लेकिन फिर टेस्टी था। चलिए हम नेक्स्ट स्टॉल देखते हैं, नेक्स्ट फूड में हमें इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है। चलिए भाई बताना है। हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि हमें बिहार का टूर करें, क्योंकि वहाँ का फेमस लिट्टी चौका है, तो हमें लिट्टी चौका यहीं पर देखने को मिल गया है। तो चलिए एक प्लेट लिट्टी चौका भी लगा के देख लगवाते हैं और फिर टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। मैं फर्स्ट टाइम टेस्ट करने जा रहा हूँ, तो चलिए आइए। फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रहे हैं, टेस्ट देखते हैं कैसा है।
काफी तारीफ सुनी है तभी आए हैं। घी लोडेड होती है, अंदर फिलिंग होती है ना इसकी, दोस्तों ये है लिट्टी चोखा, एक बार हम टेस्ट करते हैं। देखिए चने की मिलेंगे, चने के साथ काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं और ये फुल्ली लोडेड होती है, घी लोडेड, तो हेल्दी लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। मुझे कुछ नाम सुना था लिट्टी चोखा, आज खा के भी देख लिया, बहुत ही टेस्टी है भाई, बहुत ही टेस्टी है। अच्छा हुआ ना मैं यहाँ पे आ गया तो मेरे को लिट्टी चोखा खाने को भी मिल गया, बिहार की फेमस डिश है ये। लिट्टी चोखा आलू का होता है और उसको फ्राई किया जाता है, मुझे तो आलू ही लग रहा है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किस किसने लिट्टी चोखा ट्राई किया है और उनको कैसा लगता है लिट्टी चोखा। ये एक पीस बचाइए पीयूष के लिए है। तो थैंक यू, ये बंदे को खाली खाने में इंटरेस्ट है क्योंकि आज ये बहुत भूखा आया घर से, खाने नहीं मिला बेचारे को, कोई लेना देना नहीं है इसको दुनियादारी से। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जो जो यहाँ पे विजिट कर चुका है। बस ईस्ट जोन हम इतना ही कवर कर सकते थे और हमने इतना ही करा है। यहाँ पे ये सब नॉन वेज है, तो नॉन वेज तो यार मैं खाता हूँ नहीं, ऐसा नहीं है मैं कभी नहीं खाऊँगा, अभी फ़िलहाल के लिए नहीं खाता, कभी ना कभी तो ज़रूर खाऊँगा। तो चलिए ईस्ट जोन तो हमारा यही था। दोस्तों हमने दो डिश ट्राई की हैं, एक लिट्टी चोखा की थी और एक क्या था मतलब नाम भी भूल गया, कोई बात नहीं, तो आइए चलिए और चीज़ देखते हैं। वो थी आलू चॉप थी वो, हाँ आलू चॉप ये उसको याद है, देखो मैं भूल गया। यहाँ पे मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ मिली है जो यूपी वालों को तो बहुत ही पसंद है, यूपी वालों को तो जानते हो कि पान तो प्याज बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पूरा नाम मैं देखो, मनोज पान भंडार। दोस्तों पान का स्वाद तो खाना खाने के बाद ही आता है, तो फिर हम पहले ये सारे स्टॉल देखो कवर कर ले, उसके बाद फिर एंड में पान खाएंगे, हम खाएंगे आपको ललचवाएंगे। तो चलिए देखो यहाँ पे आप यहाँ पे किससे चल रहे हैं आप ये भी सुन सकते हैं, यहाँ पे फूड के किससे चल रहे और कबाब हमें आज आपने ही मुझे कुरैशी की कबाब खिला के 8 किलो खत्म कर रहे हो। तो दोस्तों हम यहाँ आ चुके हैं और ये नॉर्थ जोन है, नॉर्थ जोन में तो फर्स्ट स्टॉल है वो आप जैसे ही देख सकते हैं, दूर से दिख रही होगी आपको दालचंद स्टोरी ऑन नेटफ्लिक्स। अब इसके बारे में हमें जानना तो है, हम भी काफ़ी एक्साइटेड है इसके बारे में जानने के लिए, लेकिन यहाँ पे इतना रश है ना तो दोस्तों हमें इसको अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि कुछ खाने के लिए
कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना, तो चलिए आइए। वैसे मेरी ना फेवरेट चाप है, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? तो यहाँ पे दोस्तों चाप है, दीपक चाप कॉर्नर। तो मैं सोच रहा हूँ कि चाप लगवा ली जाए, लेकिन वहाँ पे ना एक सोल्ड आउट का बोर्ड भी लगा हुआ है। अब देखते हैं नसीब में चाप है या नहीं है। आइए तो दोस्तों, ये वाला मामला तो सोल्ड आउट हो चुका है। हम कुछ और ट्राई करते हैं। यहाँ पे है पाव भाजी, ये भी नॉर्मल डिश है, ये हम घर में ट्राई कर लेते हैं। ये थोड़ा कुछ हमें यूनिक मिला है उत्तराखंड की डिश में, मक्के का हलवा, ये मैं जरूर ट्राई करूँगा। आप लोगों ने कभी खाया है? मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करा है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है मक्के के आटे का है। यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस करी है, यहाँ पे इसकी जैसा कि नाम आपने देखा है कि नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल, तो यहाँ पे ना ऑलमोस्ट वही आइटम है जो हम हर वीकेंड और डेली बेसिस पे खाते हैं, गोलगप्पे, चाप, टिक्की, ये वो सब कुछ है ना। लेकिन हाँ, रीजनल डिश है वो, जैसे कि अभी हमने खाई लिट्टी चोखा, वो आपको बिहार का ही टेस्टी लगेगा, हर कोई इसको नहीं बना सकता है। और जैसे हमने खाया उत्तराखंड का बाजरे मक्के के आटे का हलवा, या बाजरे के आटे का हलवा, मक्के का, हाँ मक्के के आटे का हलवा। तो ऐसे ही हम ना आपके लिए कुछ रीजनल फूड देखते हैं, वरना बाकी तो टाइम वेस्ट है। और अफोर्डेबल प्राइस भी नहीं है, यहाँ का प्राइस भी काफ़ी हाई लेवल है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, लेकिन एवरेज इंडिविजुअल, हाँ। लेकिन फिर हमें ये भी देख के चलना पड़ता है ना, जो चीज़ हमें हमारे स्टेट में, हमारी जगह पे 10 रुपीज़ में, 20 रुपीज़ में अवेलेबल है, वो यहाँ उसके हम यहाँ पे 80 रुपीज़ दे रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए था कि हमें हर स्टेट के फूड यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। चलिए आइए, जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल वो कुल्लड़ पिज़्ज़ा बहुत काफ़ी फेमस हो रहा है लुधियाना का, यहाँ पे वो भी है, मैं काफ़ी देर से उसी को ढूंढ रहा हूँ, एक बार टेस्ट तो करना बनता है। तो आइए, थैंक यू।
साउथ जोन में एंटर कर रहे हैं और साउथ की डिशेज तो यार काफ़ी टेस्टी होती हैं। आइए यार, लेकिन ना एक इशू है साउथ की डिशेज के अंदर ना ऑलमोस्ट हर चीज़ ना नॉन वेज होती है और नॉन वेज हम अवॉइड करते हैं। चलिए फिर भी हम देखते हैं अगर हमारे लायक कुछ चीज़ें यहाँ पे होंगी। वैसे होंगी, ऐसा नहीं है, इडली डोसा वगैरह काफ़ी तरह चीज़ें हैं। आइए, टमाटर भी नहीं पसंद। एक बार हम ट्राई करते हैं हैदराबादी चाट कैसी है। एक हैदराबादी चाट लगा दीजिए, इसमें क्या स्पेशल होता है? समोसा फोड़ के मटर डाल के। अच्छा, हैदराबादी चाट दोस्तों, हैदराबादी चाट इसका नाम है, लेकिन इसमें समोसे और चने डाल करके चाट रेडी की गई है। तो हमारे यहाँ पे बोलते हैं समोसा चाट, लेकिन चलिए इसका नाम ही हैदराबादी चाट है तो हम इसको हैदराबादी चाट के नाम से खाएंगे। अरे टेस्ट तो है, लेकिन जिस हिसाब से नाम था ना, मैंने सोचा था कुछ अलग हटके खाने को मिलेगा। यहाँ पे भी सब नॉर्मल ही है यार, नेशनल स्ट्रीट फूड बोला तो गया लेकिन सब नॉर्मल है जो हम डेली बेसिस पे खाते हैं। लेकिन हाँ, इंटरेस्ट आ रहा है, लोकेशन अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा रश है, कुछ तो बात है, तभी तो लोग आ रहे हैं। तो वैसे भी आज लास्ट डे है और संडे भी है, इसलिए लोग ज़्यादा आ रहे हैं। बैम्बू में जब तक आग नहीं लगेगी तब तक नहीं दोगे? नहीं, पहले में वो चिकन है वो पकना है। पता कैसे लगता है कि पक गया? इसके अंदर पानी बाहर आएगा और खुशबू बाहर आएगा। अच्छा, पका हुआ खुशबू बाहर आएगा, इसलिए वेट कर रहा हूँ मैं भी। तो बाकी तो ठीक है, खुशबू अगर इसमें भी आ गई तो आप बन गया।
सारे एक साथ लगे, पानी निकले गए ना। अच्छा, ये साइंस है, वो तैयार है। मैम बैम्बू के अंदर बंदा छिपा है। दोस्तों, हम अपने ब्लॉग के एंड की तरफ आ चुके हैं। ये लास्ट जोन है, वेस्ट जोन। हमने ईस्ट जोन देख लिया है, हमने नॉर्थ देख लिया, हमने साउथ देख लिया, और ये वेस्ट जोन है। यहाँ पे देखते हैं हमें अगर कुछ यूनिक चीज डिश मिलती है टेस्ट करने के लिए तो हम करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। राजस्थान की डिश है प्याज की चोरी, इसे हम जरूर ट्राई करेंगे। ये हमें कभी कभी खाने को मिलती है। आइए, प्याज की चोरी। ये प्याज की चोरी है, सब्जी के साथ सर्व होती है, बट उन्होंने चटनी के साथ सर्व किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि सारे स्टॉल कवर करने के बाद हम पान का मजा भी लेंगे, तो बस पान का मजा लेते हैं, उसके बाद ब्लॉग को एंड करते हैं। कितने लोग सिंगल हैं तुम्हारे? सिंगल हैं। अभी सुबह लेकर तुम्हारे एक बजे से लेकर तीन बजे तक की खाने में मजा आया ना आया उसका मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो मजा नवरत्न पान ने दिया है ना, ये एक्सपीरियंस बिल्कुल हट कर गया है भाई। कसम से मजा आ गया, फर्स्ट एक्सपीरियंस था नवरत्न पान का। अब मैं कभी भी पान ट्राई करूंगा तो नवरत्न को ही ट्राई करूंगा, बहुत टेस्टी था। दोस्तों, आज के ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए, बाय बाय। और ओके, बाय बाय।